अरे योगी हम तो लुट गए तेरे राज में, जनक देखो खबर कब होगी। अरे योगी भूखे मर गए तेरे राज में, जनक देखो खबर कब होगी। मैं गया, मैंने कहा अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब अम्मा जी कहती हैं, अरे बता क्या बताऊं, सुबह से कल्लू का फोन लगा रहे, फोन ही नहीं उठा रहा। अरे तू कहाँ जा रहा भाई यहाँ से शाम को? मैंने कहा जी मैं कहरा नहीं जा रहा, मुशायरा पढ़ने। अच्छा जा तो रहा, लेकिन चप्पल जूते संभाल कर रखिए और झग ना करिए वहाँ किसी से भी। मैंने क्यों, वहाँ तो सारे बहुत तेज हैं। नहीं नहीं, वहाँ के लोग बहुत शरीफ हैं, लड़कियाँ और ये सब। अरे नहीं, सहारनपुर का सिपाही और कैराने की लुगाई बराबर है। नहीं नहीं अम्मा जी ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो अचानक अम्मा के पास कल्लू का फोन आ गया। हाँ अरे कल्लू। अम्मा सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम। अरे एक काम था तेरे से। अम्मा बताओ। अरे तुझे तो पता सारे कमेले बंद पड़े, बता गोश खाने का इतना मन हो रहा कुछ है ना? तेरे फ्रिज में पड़ा था एक आधी किलो गोश। अरे अम्मा क्या बात कर रही, मैं खुद एक हफ्ते से सोयाबीन के कोफ्ते खा रहा। तो बता रहा था कॉमेडी अपने आप बन जाती है दोस्तों। भी पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात एक ऐलान किया नोटबंदी का। भाई और बहनों, मित्रों, कल से 1500 का नोट बंद कर दिए जाएंगे। सब लोग परेशान रात ही रात में, भाई बहुत गलत करा, कम से कम कुछ वक्त देना चाहिए था, 15 दिन एक महीने का। सोचो दोस्तों, अगर मोदी जी इसके अलावा कुछ और ऐलान करते तो ये सब लोग खुश हो जाते। मोदी जी अगर ऐलान करते, भाई और बहनों, मित्रों, जनवरी की 1 तारीख से पुरानी लुगाइयां बदली जाएंगे, सब लोग खुश हो जाते। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।